हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या है? इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म्ड बाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन द ईयर 1928 में ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले परफॉर्म किया जेनेटिक मटेरियल क्या है वो खोजने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या लिया था? नंबर वन, उन्होंने लिया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी या फिर डिप्लोकॉकस न्यूमोनी, और लिया था माइस। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का दो स्ट्रेन ग्रिफिथ ने यूज़ किया था। नंबर वन जो स्ट्रेन उन्होंने लिया था वो था S3 या फिर स्मूथ स्ट्रेन, और एक था R2 या फिर रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? सपोज़ ये बैक्टीरिया है, जो स्मूथ स्ट्रेन है वो बैक्टीरिया के बाहर एक पॉलीसैकेराइड का एक्स्ट्रा कोटिंग होने के कारण जब कल्चर मीडियम में ये बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है तो वो उसका स्मूथ अपीयरेंस होता है। तो स्मूथ अपीयरेंस होने के कारण इसका नाम है एस स्ट्रेन। और रफ स्ट्रेन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया के बाहर कोई पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है, इसलिए बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में उसका रफ अपीयरेंस होता है, जिसके कारण से इसका नाम है आर स्ट्रेन। ठीक है, तो स्मूथ स्ट्रेन जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसमें जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो होता है विरुलेंट। विरुलेंट मतलब क्या? विरुलेंट मतलब है पैथोजेनिक, यानी ये हानिकारक है। ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो माइस को जब अटैक करता है तब माइस को न्यूमोनिया होता है। ठीक है, लेकिन आर स्ट्रेन जो है वो है नॉन विरुलेंट या फिर नॉन पैथोजेनिक, मतलब आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी कैन नॉट अटैक माइस, और मतलब माइस को अटैक करने से भी माइस को न्यूमोनिया होता नहीं है। इसका कारण क्या है? ये जो पॉलीसैकेराइड कोट है, ये जो कोट, ये होस्ट यहाँ पे क्या होगा? माइस होगा। माइस को तो ये बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो माइस यहाँ पे होस्ट है। तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो पॉलीसैकेराइड कोट होने के कारण से इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे दिख जाता है और माइस को वो मतलब न्यूमोनिया एक्सप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉलीसैकेराइड कोट नहीं होने के कारण जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और माइस के ऊपर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट जो किया था उन्होंने, उसमें चार स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइव यानी जीवित, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, लाइव S3 बैक्टीरिया को लिया, लेके उन्होंने इंजेक्टेड इन माइस में वो S3 बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, तो देखा गया उसके कारण से माइस वाज डेड। वो जो माइस था वो मर गया इन्फेक्शन के कारण। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइव R2 बैक्टीरिया से माइस को अटैक करवाया, देखा कि माइस वाज सर्वाइव्ड, मतलब यहाँ पे वो डेड नहीं हुआ। कारण तो मैंने पहले ही बता दिया कि आर जो स्ट्रेन है वो नॉन विरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक है। थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया को लिया और उसको माइस में इंजेक्ट करवाया, देखा कि माइस वाज सर्वाइव्ड, यहाँ पे भी डेड माइस का डेथ नहीं हुआ। मतलब हीट किल करने के कारण से S3 जो है वो डेड हो गया, तो वो न्यूमोनिया नहीं मतलब डेवलप कर पाया माइस में, तो माइस बच गया।
अब उन्होंने क्या किया, एक मिक्स्ड इन्फेक्शन किया। मिक्स्ड इन्फेक्शन मतलब उन्होंने लिया लाइव आर टू बैक्टीरिया, उसके साथ लिया हीट किल्ड एस थ्री बैक्टीरिया। अब देखिए, लाइव आर टू कैन नॉट किल, हीट किल्ड एस थ्री कैन नॉट किल, है ना। लेकिन इन दोनों को एक साथ मिला के जब अटैक करवाया, इंजेक्ट किया माइस में, तब देखा कि वहाँ पे माइस वाज डेड, वो जो चूहा था वो मर गया। अब इस चूहे के हार्ट से ब्लड कलेक्ट करने के बाद ग्रिफिथ को उसमें लाइव एस थ्री बैक्टीरिया भी मिला। आर टू बैक्टीरिया तो मिला, लाइव एस थ्री बैक्टीरिया भी मिला। अब देखिए, ये जो इन्फेक्शन करवाया, यहाँ पे तो लाइव एस थ्री बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पे था हिट किल्ड बैक्टीरिया और लाइव आर टू बैक्टीरिया। तो इस ये जो उनको देखने को मिला लाइव एस थ्री, तो यहाँ से कंक्लूशन पे आया ग्रिफिथ ने कि इन प्रेजेंस ऑफ हिट किल्ड एस थ्री बैक्टीरिया, आर टू बैक्टीरिया हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एस थ्री बैक्टीरिया, है ना। कि हिट किल्ड एस थ्री बैक्टीरिया से ये आर टू बैक्टीरिया कुछ लिया, लेने के कारण जो आर टू बैक्टीरिया है, आर टू बैक्टीरिया के बाहर तो पॉलीसैकेराइड का कोट होता नहीं है, लेकिन एस थ्री से ज़रूर आर टू बैक्टीरिया ने कुछ लिया, एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण से ये आर टू बैक्टीरिया उसके बाहर पॉलीसैकेराइड कोट बनवाने में सक्षम हुआ। इसी के कारण जो नॉन विरुलेंट आर टू है वो विरुलेंट एस थ्री में कन्वर्ट हो गया, इसलिए माइस का डेथ हो गया। ठीक है, तो यही कंक्लूशन दे पाया ग्रिफिथ ने कि कुछ ना कुछ ज़रूर एब्जॉर्ब किया आर टू ने हिट किल्ड एस थ्री से, जो है हिट किल्ड एस थ्री का जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब करने के कारण से ही आर टू एस थ्री में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड नहीं कर पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट को इसके 16 साल बाद, ये तो 1928 में हुआ था, इसके 16 साल बाद यानी इन द ईयर ऑफ 1944, तीन साइंटिस्ट आवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता गया, आगे लेके चला, और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो है डीएनए, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। थैंक यू।